आपके अपने ही चैनल में कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी होस्ट प्यारी दोस्त ऋचा शर्मा। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि रक्षाबंधन पर घेवर का बहुत महत्व है। सावन में घेवर है, घेवर ही हमेशा भाई के यहाँ बहन लेकर जाती है। तो इस बार मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई तो किया जाए कि कैसे है। मैंने पहली बार बनाया है, आप प्लीज़ बताइएगा कि कैसा बना। इसके लिए देखिए मैंने ये एक कटोरी के माप से चीनी ली है और आधी कटोरी पानी लिया है। इसको मैंने चाशनी बनाने के लिए रखा है। मैं जो जो करूँगी मैं आपको बताऊँगी और आप बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। धीरे धीरे हमारी चाशनी मेल्ट हो रही है और इसको हमें बता दें, हमें कोई तार वार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिंपल बस एक मीठी जो चिपचिपी चाशनी होती है बस उसे ही बनाना है। ये देखिए हमारी चीनी लगभग मेल्ट हो ही चुकी है। अब इस समय हम क्या करेंगे, ये मैंने दो तीन इलायची का पाउडर इसके अंदर डाल दिया है और गैस को बंद कर दिया है। इसको अच्छी तरह चला के हमने इसे साइड में एक अलग कटोरी में निकाल लेंगे। अब उसी फ्राई पैन में मैंने ये आधा लीटर दूध चलाया है, ये फुल क्रीम मिल्क है। हमारे यहाँ दूध बहुत अच्छा आता है, भैंस का दूध है तो काफ़ी गाढ़ा वैसे भी होता है, इसलिए मैंने आधा लीटर लिया है। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे हम रबड़ी। अब ये मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब इसमें मिल्क पाउडर डाला है। इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारा दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। एक तो मैंने क्रीम के साथ ही लिया है, इसे हम चलाते रहेंगे और जो किनारे की तरफ मलाई जम जाती है ना उसको भी हम बीच बीच में डालते रहेंगे वरना ये लग जाएगा। अब देख रहे हैं कि हमारे दूध में खोल आना शुरू हो गया है। अब इसी टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और डाल दूँगी। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो डालिए नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और इस समय ही मैं इसमें थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी कि ऊपर से सजाएंगे, लेकिन जब इसमें रच बच जाता है ड्राई फ्रूट तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और इस समय मैंने इसमें 4 छोटी चम्मच चीनी डाली है, छोटी चम्मच क्योंकि मिल्क पाउडर भी गया हुआ है। अब हम इसको मिला लेंगे। आप देख रहे हैं ये दूध कितनी जल्दी और कितना गाढ़ा हो गया है। अब हमने गैस बंद कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक मिक्सी के जार में ये 4 चम्मच के करीब घी लिया है और इसमें ये 2-3 क्यूब बर्फ़ के डाले हैं। अब हम इसको चलाएंगे तो ये देखिए मक्खन जैसा बन गया ठंडा होने की वजह से। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये 4 बड़े चम्मच मैंने मैदा ली है, मतलब 4 से 5 चम्मच ली है और ये 1 चम्मच बेसन, और इसके अंदर हम डालेंगे ठंडा ही पानी, फ्रिज का पानी हमें डालना है जो 1 कप के करीब मैंने डाला है और इसका पेस्ट बना दिया है। अब देखिए ये पेस्ट कैसा बना है। अब इसको मैंने निकाला है। अब ये पेस्ट काफ़ी गाढ़ा है, हमें थोड़ा पतला लिक्विड फॉर्म में चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा और पानी लूँगी और इसी मिक्सी के जार में डाल के इसे घुमा के वापस इसमें डाल देंगे। अब देख रहे हैं काफ़ी पतला है और ये देख रहे हैं कितनी बारीक सी परत चमचे पर हमारी लग रही है। ये थोड़ा सा पानी, याद रखिएगा फ्रेंड पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब ये एक कटोरे में मैंने ये बर्फ़ के थोड़े से क्यूब्स डाल दिए और उसी के अंदर ये रख दिया है। अब ये मैंने एक फ्राई पैन चढ़ाया है और इसमें ये मैंने घी ही लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड भी लीजिए। ये घी होने की वजह से एकदम तेज़ी से धुआं उठा है। अब इसमें घी गर्म होने के बाद ये सोचिए कि आँच हमें तेज़ी ही रखनी है। ये एक एक चमचा करके मैंने पहले बीच में 2 चमचे डाले थे और फिर थोड़ा सा साइड में भी डाला था। अब ये धीरे धीरे आपको लग रहा है कि अभी ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप ही शेप ले लेगा। बीच में हम चाकू से या किसी चम्मच से इसको चलाते रहेंगे ताकि ये, मतलब हल्का चलाना है, बार बार नहीं चलाना है वरना टूट जाएगा ये, ताकि बीच में छेद हो जाए। और किनारे भी आपने देखा मैंने हल्का हल्का दबाव दिया है। अब देख रहे हैं अभी एकदम से ऑटोमेटिकली शेप आनी शुरू हो गई है, फर्स्ट टाइम है फ्रेंड। तो मुझे एक बहुत खुशी सी मिली कि बन गया। मुझे अंदर से बार बार लग रहा था पता नहीं कैसे कैसे, लेकिन फिर भी आप इसे छोड़ दीजिए ऐसे और फिर किसी भी नाइफ से बड़े या जिस भी चीज़ से आप इसको धीरे धीरे से हल्के हाथ से निकाल लीजिए। इस तरह अगर आपका मटेरियल बच रहा है तो आप कर दीजिए। देखिए मेरे ये 2 बने हैं और एक बहुत ही छोटा सा, मतलब वो तो ढंग से गोल नहीं बन पाया। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब मैंने इसको लिया है और वो जो चाशनी है ये भी फ्रिज में रख दी थी तो और अच्छी हो गई है।
इसको 2 चम्मच के करीब मैं पूरे उसको डाल दूंगी, क्योंकि फिर ना तो फिर घीवर फीका फीका लगेगा। अब ये देखिए रबड़ी हमारी कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, इसको हम इसमें चारों तरफ फैला देंगे। मैंने फ्रिज में रख दिया था फ्रेंड्स, इसलिए ये ज़्यादा ही गाढ़ी होगी। अब ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम हैं, थोड़े पिस्ते हैं, इससे मैं अच्छी तरीके से सब तरफ डेकोरेट कर लेंगे। क्यों फ्रेंड्स, लग रहा है ना एकदम बढ़िया सा। अब इसके पास अब बाकी आपकी अपने हैं, अगर आपके पास क्या क्या चीज़ और है उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं इसको। फ्रेंड मैंने इसमें मेरे यहाँ थोड़ा सा गुलाब की पत्ती और ये चांदी का वर्क से सजाया है। आपके पास जो भी हो वो सजाइए, बताइए कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा है। फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छी थी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।